नमस्कार, एके सिनेमेसिटी सतना की खबरों के साथ मैं हूं सत्य भूषण सिंह। अगर देखना है मेरी उड़ान को जरा और ऊंचा करो आसमान को, कुछ इसी तरह की कहावत को चरितार्थ किया है बीएससी एजी ऑनर्स की छात्रा कांची ने। कांची ने बीएससी एजी ऑनर्स एके विश्वविद्यालय से सफलतापूर्वक पास करने के बाद वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एमएससी कोर्स के लिए टेस्ट किया और उसने प्रथम प्रयास में ही सफलता अर्जित की। हम आपको मिलवा रहे हैं कांची से और उससे जानते हैं कि उसकी सफलता के पीछे क्या क्या कारण है। कांची कांची, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कांची, ये जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के कोर्स ने आपकी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कितनी मदद की? बहुत अच्छा कौन कौन से टेस्ट आपने पास किया, क्वालिफाई किया? हम जीआरई और आईएलटीएस टेस्ट पास किया। क्या टेस्ट होते हैं वो? एक्चुअली उसमें क्या होता है, वो मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट होता है, तो वो उसको हम को पास आउट करना चाहिए, कट ऑफ मार्क्स करके उससे पास आउट। अच्छा, विश्वविद्यालय के फैकल्टी और चेयरमैन और जो पूरा प्रबंधन है उसके लिए आपका कुछ कहना चाहिए? सर, वो एक्चुअली वो तो बहुत सपोर्ट किया है हमको, जैसे प्रोफेसर्स हो गए वो बहुत सपोर्ट किए हैं हमको, मतलब हमेशा कोऑपरेट करते रहे और हमेशा हर चीज़ में गाइड करते रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए। अच्छा, आप आंध्र प्रदेश से हैं, आपको आपकी लैंग्वेज है मदर टंग क्या है? तेलुगु। और यहाँ आने के बाद आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ्लुएंसी हासिल की? और इसके साथ साथ आप किन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? सर, हम हमारे एचओडी सर को, नीरज वर्मा सर को और हमारी प्रोफेसर सारे, जो भी हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के जो प्रोफेसर हेड है, उन सबको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों के बिना तो हम कुछ नहीं। अच्छा, उनके जो आपके सहपाठी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर भविष्य में विदेशों में जाकर अध्ययन करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? हाँ, उन लोग को बस एक्चुअली उन लोग को अच्छे से तैयार करना है और जो बाहर का चीज़ है उसमें कम इंटरेस्ट हो और पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट। कांची का ये कहना है कि स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी इन डेप्थ नॉलेज, विद्यार्थी जितना गहन अध्ययन करेंगे उन्हें उतना फ़ायदा होगा। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए कांची को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है कांची। विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही, नई खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।